लो वीर, हो गई तुम्हारी सर्विसिंग। मैं जरा ये सामान वापस रख दूं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये वीर रोबोट है। आज देखता हूँ, इसे तो ऐसा खराब करूंगा कि फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ वीर, अब तुम बाहर जाकर खेल कूद सकते हो, खा पी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। दादाजी, मैं पहला ऐसा रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह खा पी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ वीर, मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि लोगों को तुम पे शक ना हो कि तुम इंसान नहीं, एक रोबोट हो। अमेजिंग रोबोट। दादाजी, कुछ कुछ मैं वीर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं दादाजी, पता नहीं क्या हो रहा है। दादाजी, वीर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वीर अचानक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वीर, वीर! हाँ? वीर, इधर अंदर चलो, बंटी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बंटी, वीर तो घर पर नहीं है। दादाजी, वो घर पे ही है, नहीं तो इमली चुलबुल यहाँ नहीं होते। मैंने उसे अभी अभी अंदर आते देखा है। यस यस, मुझे पता था वीर यहाँ है। ये देखो। क्या पता था? वीर तो यहाँ ब्रेक डांस कर रहा है। वीर का राज फाश हो जाएगा कि वीर एक रोबोट है। मम्मी, पापा! हिमली, मुझे वीर को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। अब ये बंटी सबको बुला लाएगा। वीर, चुटकी बजाओ, जल्दी चुटकी बजाओ, वही मदद कर सकता है। क्या हुआ चिंटू? वीर के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गई है। बंटी को शक हो गया है। वो अपने मम्मी पापा को बुला के वीर की पोल खोलने गया है। कुछ करो। डोंट वरी, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। दादाजी, आप वीर को अंदर ले जाओ, मैं बंटी को संभालता हूँ। फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहां जा रहा है? इसका क्या हो रहा है? ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी, अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तक कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा, कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना ना भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, वाह, थैंक्स। ओए, ये पानी कहां से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच पुत्र। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ, जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो,
मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू, करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चीटिंग है, ये नहीं चलेगी। कोई चीटिंग नहीं, ओके? इस गेम में मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरा गेम खेलते हैं। पर सब गेम तो पुराने कैसे पिटे हैं, कुछ नया नहीं है। हे चिड़ियो, तुम्हें मेरा ही मुंह दिखा क्या बीट करने के लिए? बच्चों आ जाओ, तुम सब के लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, जल्दी आ जाओ। थैंक यू दादाजी। तुम लोग सुबह से खेलने में लगे हो, बरसात का मौसम है, ठंड लग जाएगी, इसलिए ये गर्मा गर्म दूध तो ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें जुकाम नहीं होगा, समझ गए? अभी देखना दादाजी कितना परेशान होते हैं। ओहो वीर, तुम्हें जुकाम हो गया है, मैं इसी का डर था। चलो जल्दी जल्दी घर चलो, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं खेलना चाहिए, चलो चलो चलो। दादाजी आप हमेशा भूल जाते हो कि मैं एक रोबोट हूँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रोबोट को जुकाम नहीं होता। शैतान, ये मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ है? क्योंकि मैं तुम्हें तो रोबोट समझता ही नहीं। ओके, एंजॉय बच्चों, चलता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू क्या कर रहे हो, ये जादू खत्म करो। नहीं मुझे मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ इसे वापस कर दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। भागो यहाँ से, ये मेरा रेनबो है। बॉस बॉस, ये हैट कैसा लग रहा है? तुम्हें किसने कहा टोपी वाले को यहाँ बुलाने के लिए? इसे बाहर भेजो, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। वाह, इस हैट में तो बड़ी पावर है, कौन है ये, मुझसे मिलाओगे नहीं? आपसे ही तो मिलाने लाया हूँ बॉस, प्लीज मीट द फेमस किंग ऑफ हैट्स मिस्टर हैटमैन। हेलो मिस्टर मैड मैक्स। हेलो वेलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये हैट्स और क्या क्या कर सकते हैं। वेरी सिंपल,
जिस रोबोट के सर पे ये हैट पहना दिया जाए वो रोबोट मेरी कमांड में आ जाएगा। I'm impressed! Thank you, Mr. Mad Max. दोस्त मिस्टर हैटमैन, क्या तुम वीर को पकड़ के ला सकते हो? Yes, ला सकता हूँ। Mad Max is glad, very very glad. Yeah. वो देखो, जो तीन बच्चे आ रहे हैं उसमें दुबला वाला स्मार्ट लड़का वीर है, बाकी दो उसके दोस्त हैं, इमली और चिंटू। चुलबुल डोंकी भी उसका दोस्त है। वाओ, कितनी अच्छी हैट है। प्लीज मुझे वो वाली हैट दिखाओ। ये लो, सबसे बढ़िया हैट है और वो भी बिल्कुल फ्री। पहले मुझे दो, पहले मैंने मांगा। नहीं, रुक जाओ तुम। लो बेटा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। अरे, फ्री दे रहा हूँ। मैं फ्री की चीज नहीं लेता। बदतमीज, मेरे हैट की इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा, गोल्ड थीव एलियन। वीर, मुझे ताजी ताजी गाजर ले दो प्लीज। हाँ हाँ, चलो उस दुकान से खरीदते हैं। आलू कैसे दिए? अच्छा, टमाटर? हाँ, वो दे दो। चोर, चोर, मेरी चेन दे दो। बदमाश करेंगे, मेरी चेन दे दो, चेन दे दो मेरी। अरे रुकिए, सुनिए। बोलो, मेरी चेन कहाँ है? दे दो मेरी चेन। आंटी, ये अपने चड्डा अंकल है, इन्होंने आपकी चेन नहीं तोड़ी, ये तो इस तरफ सब्जी ले रहे थे। ये बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, तो फिर मेरी चेन कौन तोड़ के ले गया? आपने तो मुझे बिना वजह ही पीट दिया। चोर कोई और है और वो यहीं कहीं है। वो क्या है? मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। क्या हुआ? क्या दिखा था? ऐसा लगा कोई ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन शेप सभी रूफ के ऊपर से भाग रही है। पता नहीं कैसे ये चोर लगातार सोने के जेवर चोरी कर रहा है और किसी को दिखता नहीं। ये अदृश्य चोर कौन है? दादाजी, आप क्या? दादाजी, आज तो लगातार चोरियां हो रही है। और पता है दादाजी, मैंने अजीब सी चीजें भी देखी। कोई ट्रांसपेरेंट जैसा ह्यूमन शेप रूफ टॉप से भाग रही थी। ट्रांसपेरेंट ह्यूमन शेप? ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। इनसे घूमना है तो सोना पहन के मत निकलो, क्योंकि आ गया है सोना चोर। ये देखने के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे देखें। भागो, चोर आया। अरे, क्या मुसीबत है, यहाँ कोई आराम से चल भी नहीं सकता।
रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। थैंक्स रोबो बॉय, थैंक्स। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर तुम न होते तो न जाने क्या होता। अरे क्या कर रहे थे तुम? अपनी ताकत का बहुत घमंड है क्या? बच्चे को कुछ हो जाता तो? जी, अब तुम जरा एक तरफ हो जाओ। इस घमंडी लाल पहलवान की अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये तुमसे नहीं मुझसे संभलेगा। जिंटू तुम? अरे चिंटू तुम यहाँ? वीर, ये मेरा दोस्त है चिंटू, और चिंटू ये है वीर, इमली, चुलबुल, ये सब मेरे दोस्त है। हाय चिंटू, आज से तुम भी हमारे दोस्त हुए। और चिंटू, अब सबको जादू दिखा दिया है तो भुला भी दो। अभी लो। वीर, मैं चिंटू के साथ घूम फिर के आता हूँ। हम दोनों कितने सालों बाद मिले हैं। और सुनाओ चिंटू, तुम्हारा चाट खाने का शौक अब भी वैसा ही है? अरे बिल्कुल, जैसा का तैसा है। मुझे तो आज भी चाट उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। वैसे वो दिन कितने अच्छे थे जब हम रोज खेला करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं और तुम साथ रहेंगे और बस रोज खेलेंगे, मस्ती मजा करेंगे। अब तुम यही रहोगे मेरे साथ और वीर से मिलने कभी कभी चले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अब वहीं रहना अच्छा लगता है। वहाँ की चाट अपनी जादुई चाट से भी अच्छी है। और सच बात तो ये है कि मैं अब वीर के बिना रह भी नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ अपने वीर के पास। नहीं चिंटू, सुनो तो सुनो। वीर, ये क्या, इतने बड़े हो गए हो और बाल अभी तक दादाजी से बनवा रहे हो? क्या करूं, दादाजी छोड़े तब ना। ये लो वीर, ये जाते ही खा लेना। दादाजी बस करिए, मैं रोबोट हूँ। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो बस। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ओके। चिलबुल, जिंटू, खबरदार तुम दोनों वहाँ दिखे तो। ये स्कूल का ट्रिप है, समझे? ओके वीर, हम वहाँ नहीं दिखेंगे, हम इनविजिबल होके जाएंगे, क्यों चुलबुल? यस, वीर की बात तो माननी होगी। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। स्टूडेंट्स, पहले झूले झूल लो, फिर एयरफोर्स के प्लेन के अंदर चलेंगे। तो वीर एयरफोर्स के प्लेन में घूमने आया है। मौका अच्छा है, मैं अभी बॉस को जाके बताता हूँ। वीर, आज तुम्हारी दोनों दुम कहाँ है? दोनों दुम से क्या मतलब है? अरे तुम्हारा डोंकी चुलबुल और वो जिंटू। रोबो बॉय सूट ऑन। पहले मुझे बचाओ, मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहले बचने का हक मेरा है। थैंक यू रोबो बॉय,
तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। थैंक यू वेरी मच।